अब जापान की समस्या समझो, ये ब्लू वाला जापान। अब जापान के पास कितने प्लेट आके मिल रहे हैं देखो, इधर से प्रशांत महासागर प्लेट, यहाँ पे फिलीपीन प्लेट, यहाँ पे यूरेशियन प्लेट, तीन तीन प्लेट आपस में जाके मिल रहे हैं। कितने प्लेट? और ये तीनों प्लेट, और ये भी प्लेट को नीचे से कौन सा ढकेल रहा है? ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इधर से अगर ऑस्ट्रेलियन ढकेला तो ये किसको ढकेल देगा? फिलीपीन प्लेट। प्रशांत वाला ढकेला तो भी, यूरोशियन ढकेला तो भी। अब यहाँ पर इतना ज्यादा फोर्स काम कर रहा होता है, हमेशा भूकंप सुनामी ज्वालामुखी सब चीज आते रहता है यहाँ पर। कहाँ पर? जापान। और जापान में जब ये आता है ना तो पूरे एक सर्कल में आता है, एकदम पूरा लंबा चौड़ा, देख रहे यहाँ पे, इसको फायर बॉल कहा जाता है, रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर। बड़ी दूरी में लाइन से ज्वालामुखी और क्या है, भूकंप है। अगर प्लेट ऐसे टकराया तो भूकंप, और दूर हट गया तो ज्वालामुखी। समझ में आ गया कि नहीं? ऐसे टकराया भूकंप, ऐसे हटा तो टकराएगा भी वहीं जहां ज्वाइंट है, और हटेगा भी वहीं जहां ज्वाइंट। बेचारा जापान, उसके यहाँ टकराता भी है हट भी जाता है, टकरा भी जाता है हट भी जाता। तो सबसे ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी कहाँ आएंगे? जब कहाँ आएंगे? जापान में। समझ में आ गया? और रिंग ऑफ फायर यानी कई किलोमीटर में ज्वालामुखी लाइन से ऐसे घूम रहे हैं सब। जहाज से देखिएगा ना तो वहां ज्वालामुखी फूट रहा है, वहां फूट रहा है, वहां फूट रहा है, वहां। तो ऐसे लगभग लगभग एक सर्कुलर पाथ, एकदम गोला तो नहीं है बनेगा ना जी, लगभग लगभग सर्कुलर पाथ में रहेगा यहाँ पर। ये जो प्लेट है ये कितना मोटा होगा? 100 किलोमीटर। अब ये प्लेट आपस में टकरा गए तो भी खतरनाक, दूर गए तो भी खतरनाक। अच्छा तब कौन? कोई नहीं। सबसे अच्छा प्लेट के किनारे बस भी मत करो। तो आप अपना गांव शहर ना चेंज कर सकते, देश कैसे चेंज कीजिएगा? देश चेंज कर पाएंगे? अब नेपाल का कहेगा कि प्लेट के किनारे मत बसो, पूरा प्लेट में आइए। नेपाल पूरा का पूरा किस पे? प्लेट। तो एक तो प्लेट पे जिससे टकरा रहा है, दूसरा हिमालय जिस पहाड़ पे बना है चट्टान का नहीं भूसन्नति है, वो क्या है भूसन, वो कभी भी पूरी प्रॉपर ढंग से मजबूती से अभी पकड़ा नहीं है। उसको मजबूती से पकड़ने में 1,00,000 साल और लगेगा यहाँ पे, तब जाके क्या होगा, पूरी मजबूती से जमेगा यहाँ पर। अभी वो धौस के पूरा पहाड़वे से गिर जाता है यहाँ पे। तो ऊपर से भूस्खलन हो रहा है, नीचे से क्या आ रहा है, भूकंप आ रहा है। प्लेट टेक्टोनिक हैरी हॉस ने दिया बेहतरीन थ्योरी, दिया कि नहीं दिया? हाँ बेहतरीन। अच्छा कुछ छोटे प्लेट हैं लेकिन बहुत खचरे प्लेट हैं, जैसे फिलीपीन का प्लेट। कौन प्लेट? तो 7 बड़े प्लेट में नहीं है, 20 छोटे प्लेट में, लेकिन बहुत ज्यादा खचरा है। उसी तरह अमेरिका में 2 प्लेट बहुत खचरा है, एक नजका प्लेट, कौन सा? नजका। और एक कोकोस, कौन सा? कोकोस।